तो आई एम गोइंग टूवर्ड्स विच डिरेक्शन मुझे भी नहीं पता यार, बिकॉज आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ अ वेरी इंट्रोवर्ट एंड आई एम वेरी मूडी एक्चुअली. जब मेरे को मूड होता है तब मैं निकलता हूँ, तब मैं व्लॉग करता हूँ, तब मैं घूमता हूँ. सो इट्स नथिंग लाइक अरे रूटीन कि हाँ संडे तो निकलना पड़ेगा. मेरे लिए हर दिन एक जैसा होता है. सो आई होप सो एवरी वन ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस. राइट नाउ आई एम प्लानिंग टू गो टूवर्ड्स चालसा या गोरुबथान या झंडी. मतलब मेरे को थोड़ा यू नो उस तरफ का द्वार साइड का पहाड़ का मेरे को थोड़ा यू नो रोड में चलाने का मन कर रहा है. सो आई एम प्लानिंग टू गो टूवर्ड्स दिस गोरुबथान एंड झंडी के तरफ. सो होपफुली आई विल बी गोइंग ओवर देयर. सो बने रहे वीडियो में और आने वाले नज़ारों का लुत्फ़ उठाए सुंदर से म्यूजिक के साथ. लेट्स कंटिन्यू मैन. ये जो ब्रिज है इसका नाम है कोरोनेशन ब्रिज. लोकल लोग इसे बाघपोल या टाइगर ब्रिज बोल के भी बुलाते हैं, बिकॉज इसमें एक दो स्टैचूज हैं जो टाइगर से मिलता जुलता है. बेसिकली दे आर टाइगर्स, स्टैचू ऑफ टाइगर्स. कनेक्ट्स भूटान, असम, मालबाजार एंड अदर डुअर्स प्लेसेस. सो बेसिकली इस ब्रिज का नाम तो कोरोनेशन ब्रिज है. इसके रिगार्डिंग मैंने एक बहुत अच्छा एक ड्रोन फुटेज निकाला है. अगर आपको वो देखना तो अभी आई बटन में जो आ रहा होगा इसको आप बाद में देख लेना. लिंक दिया हुआ रहेगा एट लास्ट आई बटन में. सो जस्ट क्लिक दैट एंड वॉच इट. एंड इस ब्रिज को बाघ पुल भी कहते हैं, बिकॉज यहाँ पे देखिए आप इसे बाघ मतलब बेसिकली टाइगर जो हम इसे बाघ कहते हैं हिंदी में, तो बाघ का स्टैचूज है इसलिए दे आर कॉलिंग इट एज बाघ पुल. तो यहाँ पे पता नहीं यार पार्क कर रखे हैं, इनकी वजह से हल्का फुल्का जाम हो रहा है. देर आर मंकीज ऑल अराउंड ओवर द रोड. सो वन थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट प्लीज व्हेन एवर यू ट्रैवल थ्रू दिस काइंड ऑफ रोड्स नेवर फीड मंकीज ऑन द रोड. अगर खाना देना है उतर के उनको साइड में दे दो, लेकिन ये रोड के बीच में फेंकते हुए कई सारे टूरिस्ट होते हैं मैंने देखा है. लाइक जो लोग बाहर से आते हैं या फिर सिलीगुड़ी के खुद लोग गाड़ी में चलेंगे ऐसा खाना डालते डालते हुए जा रहे, ये मत कीजिए. इससे क्या होता है वो खाना बीच में पड़ा होता है और बंदर जो है बीच में आएगा खाना उठाने के लिए. तब तक दूसरा कोई गाड़ी वाला उसके पीछे या उसके आगे से जो होगा जिसको विजिबल नहीं होगा कि बंदर रोड में है वो उसको मार देते हैं. तो आपका एक निवाला के लिए किसी का जान जा रहा है. सो प्लीज़ डोंट डू दैट. दैट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट एंड होप सो वेरी सून इट गेट आउट टू बी एन ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट, ताकि जो लोग प्यार से नहीं समझते हैं वो लोग वो भाषा को समझे. इजंट इट. एंड फाइनली देखते देखते ये जगह जो है, ये जगह पहले ऑक्यूपाइड था फुल्ली, अब ये खुल चुका है. सो पीपल कैन कम एंड दे कैन सिट. नाउ इट्स ओपन. रिसेंटली मैंने एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे एंड इसी रोड पे मैंने उस स्पोर्ट्स बाइक का टॉप स्पीड टेस्ट किया था. एंड बाय गॉड ब्लेस बाय माय लक आई कुड रीच द टॉप स्पीड ऑफ दैट स्पोर्ट्स बाइक. वो वीडियो अपलोड होने के ठीक 10 मिनट बाद इतना कुछ वो फैल गया वो वीडियो कि मुझे वो वीडियो हटाना पड़ा. एंड थैंक्स टू ऑल द हेटर्स, थैंक्स टू ऑल द पीपल हु कैनॉट डाइजेस्ट गुड थिंग्स, थैंक्स टू ऑल द पीपल हु कैनॉट डाइजेस्ट इफ समथिंग और समवन इज डूइंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स इन सम प्लेस. सो आप लोग की कृपा से मैंने वो वीडियो जो है हटा दिया यूट्यूब से. बट या प्रिटी श्योर इफ आई डू दैट सेम थिंग ऑन द रेस ट्रैक आई विल डेफिनेटली आई एम गोइंग टू अपलोड दैट. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई होप सो हेटर्स विल यू नो
तब देखते हैं तब क्या कमेंट करता है, तब क्या बोलता है। बट दिस रोड वॉज टोटली एम्प्टी, काइंड ऑफ एक दो गाड़ी था और मैंने उस स्पोर्ट्स बाइक का टॉप स्पीड निचोड़ दिया था। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा वो कौन सा बाइक था, क्या था। इफ नॉट देन फॉलो मी। कंटिन्यू हाइड करते हैं आगे और पहुंचते हैं जगह पे एंड लेट्स हैव सम फन। तो हमने जो है गोरुबथान के लिए लेफ़्ट टर्न ले लिया है दामदिम से। सो फ्रॉम दामदिम यू टू टेक द लेफ्ट टर्न। मैंने वो एरिया ऐसे नहीं दिखाया बिकॉज वहाँ पे आर्मी ने स्ट्रिक्टली लिख कर रखा है कि नो वीडियोग्राफी फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड, तो इसलिए मैंने उस जगह को कुछ दिखाया नहीं है। एंड इसलिए मैं सीधा आपको यहीं पर लाया हूँ। यहाँ से फिर चलेंगे हम लोग गोरुबथान, देखते हैं रोड पर उड़ाएंगे ड्रोन और भी काफ़ी कुछ मज़े करने वाले। स्टे ट्यून्ड। लोकेशन यहाँ से ना एक लोहा का एक पुल है जो उस पार जाता है एंड दैट पुल इज मेड अप ऑफ टोटली आयरन। तो अभी चलते हैं यहाँ से। आई डोंट नो, देयर आर टू एक्टिवा, होपफुली ये लोग शायद से नीचे गए होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ पे इतना पेड़ था, मतलब एक डर सा लग रहा था, इतना झाड़ था। दैट्स द पुल एंड Let's get down. So this is the pool. ये टूटा हुआ है and okay. So people are going down and ये काफ़ी रिस्क भरा हो जाएगा। लाइक ये पुल वैसे ही टूटा हुआ है एंड अगर इसके यहाँ से अगर चल के जाता हूँ आई विल फॉल डाउन मैन, मेरे को मौत नहीं चाहिए। इसका मैं एक ड्रोन फुटेज निकालता हूँ नीचे जाके। एंजॉय दैट। ओके गाइस, सो मैं थोड़ा दूर आके बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज वहाँ पे जो है काफ़ी पानी का बहाव है, उसके कारण जो है मेरा आवाज़ आप तक नहीं पहुँचता, तो इसलिए मैं यहाँ पे आके मैं व्लॉग ये शूट कर रहा हूँ। ये है ब्रिज, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है एंड इस खूबसूरती का और निखार करते हैं ड्रोन के साथ। सो नाउ आई एम गोइंग टू फ्लाई द ड्रोन, सो एंजॉय द ड्रोन शॉट्स। Yeah guys, so ये था ब्रिज और आई होप सो ड्रोन फुटेज आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो डू गिव अ थम्स अप एंड डू लेट मी नो कि कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा।
एंड इस एरिया का खासियत बात यही है कि ब्रिज है, आइसोलेटेड लोकेशन है, पत्थर है, पानी है. यू नो, कम विद योर लव्ड वंस, सिट बैक, यू नो, हैव पिकनिक, बट डोंट स्पॉइल दिस प्लेस. मैं ऐसी जगह ढूंढ के निकालता हूँ. आप लोग आते हो तो प्लीज़ इस जगह रिस्पेक्ट भी करो. एंड जब भी आप यहाँ पे आओ, गंदगी मत फैलाओ यार. दारू का बोतल फेंक दिया, ये कर दिया, वो सब मत करो. अच्छे से आप अपने साथ एक बड़ा सा बैग लेके आओ जिसमें आप अपना कचरा को लेके जा सकते हो. ये जगह इतना साफ सुथरा है, इतना सुंदर है, इसको ऐसे ही रखो यार. इफ़ एवर यू आर कमिंग, डू रिस्पेक्ट दिस प्लेस प्लीज़. मेरे लिए खातिर आप इसको रिस्पेक्ट करो. एंड अभी इस जगह से मूव ऑन होने का टाइम आ चुका है. आगे चलता हूँ, आगे कुछ अच्छा होगा तो वो भी दिखाऊंगा. देन लेट्स सी कहाँ जाते हैं. ओके गाइस, सो स्टे ट्यून्ड. सो मैं यहाँ पे खड़ा होकर बहुत देर तक कोशिश किया ड्रोन को उड़ाने का, बट आई डोंट नो लाइक व्हाट्स रॉन्ग विद द सॉफ्टवेयर. जो मेरा फ़ोन है वो ड्रोन को रिस्पॉन्स ही नहीं कर पा रहा था. वहाँ पे मैंने उड़ाया, वहाँ पे किया, यहाँ पे कर रहा हूँ तो नहीं कर रहा है. आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद द केबल और समथिंग, मे बी द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ. सो ड्यू टू दैट रीज़न आई कुडंट फ्लाई द ड्रोन. नहीं तो ये जो zigzag टर्न्स है ना, अमेजिंग लगता. एनीवे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी एंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो. सो इफ़ यू हैव लाइक समथिंग टू प्रेस द लाइक बटन, समथिंग टू कमेंट, यू आर फ्री टू कमेंट, एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव, सो दैट दे कैन गेट टू सी दिस लवली लोकेशन एंड दे कैन कम ओवर हियर एंड मेक श्योर यू डू नॉट डर्टी देम. विद ऑल दैट से थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बी विथ मी on my upcoming videos. Till then, bye bye, take care, ride it safe. And yes, you can follow me on my Instagram handle, that is Bike and Niladri. You can also follow my Facebook page, that is Bike and Niladri. Goodbye, take care, ride it right safe. See you in the next vlog. And by the time you must be watching this video, मैं अभी गोचिला ट्रेक कर रहा हूँ, दैट इज कंचनजंगा बेस कैंप. सो कमेंट सेक्शन पे जो भी आप बताओगे वो मैं आपको बाद में ही रिप्लाई कर पाऊंगा. थोड़ा सब्र रखिए, मिलते हैं आफ्टर 30th of March. Bye bye.